हेलो बच्चों, आपका हमारे आत्मा एकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्पर्शन की एप्लीकेशन। हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्रिज्म के बारे में बात की थी कि प्रिज्म क्या होता है। बताया था कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट सरफेस इस प्रकार से इंक्लाइंड होता है, उसमें जब लाइट जाती थी तो लाइट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती थी। उसका कारण बताया गया था कि भाई लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। देखिए दो चीजें यहाँ पर, हम क्योंकि रे ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट रे ऑप्टिक्स मतलब लाइट को हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हैं, अभी वेव की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम वेवलेंथ की बात नहीं करेंगे, हम फ्रिक्वेंसी की बात नहीं करेंगे, कर लेंगे ठीक है, लेकिन हम कहेंगे लाइट प्रिज्म के अंदर गई, अलग अलग कलर में ब्रेक हो गई क्यों। हम ये भी बता सकते हैं कि भाई अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमने कहा कि अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग होती है, तो अलग अलग कलर में ब्रेक हो गई थी, अलग अलग एंगल से ब्रेक हो गई थी। याद करिए आप, अगर आप इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसको देख लीजिएगा, हमने बताया था कि भाई लाइट ऐसे गिरी तो वो क्या होता था, अगर व्हाइट लाइट है तो प्रिज्म क्या करता था, उसको अलग अलग एंगल्स में ब्रेक कर देता था, रेड कलर कम झुकता था और वायलेट कलर सबसे ज्यादा झुकता था। ये हमने बताया था, डिस्पर्सिव पावर बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भी ये जो नेचुरल फिनोमिना है, कुछ नेचर में हमको कुछ ऐसा दिखता है तो वो किस प्रकार से डिस्पर्सन पर बेस्ड है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रेनबो। रेनबो इंद्रधनुष इसको कहते हैं। देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, हम पढ़ते आए हैं कि जब बरसात होती है तो बरसात के समय, बरसात के बाद भी जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा नमी रहती है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारी होती हैं जो कि लटकी रहती है, मीडियम में सस्पेंड रहती है। तो जब सनरेज उसके अंदर जाता है जाती है तो अलग अलग कलर में ब्रेक हो जाती है, ये हम पढ़ चुके। लेकिन चूंकि यह हमने क्लास सिक्स में भी पढ़ा है, सेवन्थ में भी हमको थोड़ा बताया गया है, लेकिन चूंकि अब इंटरमीडिएट में हम आ गए हैं तो थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो रेनबो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी रेनबो होता है और एक सेकेंडरी रेनबो होता है, ठीक है। तो हम पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी रेनबो। ये प्राइमरी रेनबो क्या होता है, प्राथमिक रेनबो क्या होता है, ठीक है। चूंकि डायग्राम टेक्निकल तो कहेंगे हम, जरा समझिएगा। जैसे एक वाटर ड्रॉपलेट है, होती बहुत छोटी है, बनाए कैसे उसको, तो ये वाटर ड्रॉपलेट मान लेते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये छोटी सी एक पानी की बूंद है, इसके अंदर पानी होगा, सिंपल सी बात वाटर होगा। अगर सन की लाइट इसमें ऊपर कहीं गिरती है ऐसे, मतलब ये लाइट गिरी यहां पर सन रहा होगा, ये कैसी लाइट होगी, ये व्हाइट लाइट होगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर गिरेगी, इसके अंदर एक मीडियम है जो कि डेंसर मीडियम है, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, हमेशा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा रेनबो, तो आप कहेंगे साहब ये आपने डायग्राम बना दिया ये हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता है। जब कभी ऐसा होता है तब रेनबो बनता है, हर बरसात में आप देख लीजिए और रेनबो बन जाए ऐसा नहीं, हाँ दिखता है, अक्सर दिखता है बरसात में। तो देखिए जब लाइट अंदर जाएगी तो क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल में झुक जाएंगे, कम कौन झुकेगा, रेड, तो रेड कलर थोड़ा कम झुकता है और वायलेट कलर थोड़ा ज्यादा झुकता है, ये रेड कलर है ये वायलेट कलर, इस प्रकार से झुक गया। अब इसमें एक तो होता है बाहर निकल जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है या अक्सर बरसात में ऐसा होता है इसमें कि जब लाइट गिरती है तो ये एंगल अगर यहां से नॉर्मल खींचते हम तो ये एंगल इतना हो जाता है कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो ये रेड कलर जो है वो इसी के अंदर ऐसे आ जाता है और वायलेट ऐसे आ जाता है, ये रेड ऐसे आ गया और वायलेट ऐसे आ गया, ये रेड आया है ये वायलेट आएगा, ज्यादा झुकेगा वायलेट, बार बार वही हो रहा है, तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ये इसका TIR हो जाता है, बड़ी क्लासेस में आपको TIR शार्प पढ़ाया जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब लाइट को बाहर निकलना है, दोबारा नहीं होगा, लाइट को बाहर निकलना है तो यहां पर जब नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल खींचने से क्या होता है कि ये रेड कलर जो बाहर निकलता है नॉर्मल से दूर हटना है उसको, तो रेड कलर ऐसे आ गया और वायलेट कलर ऐसे आ गया, ठीक है।
नॉर्मल से थोड़ा सा इसको दूर कर दीजिएगा, ये नॉर्मल है, थोड़ा सा इसको दूर कर दीजिएगा, अब एकदम एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बाहर ही निकल के आ जाता है, ठीक है। जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये हमारी आंख है, हम ऐसे इसको झांक रहे हैं, तो हमको यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लाइट तो इधर से आई है। और पहली कंडीशन ये है कि रेनबो बनेगा कब, जब सूर्य की तरफ पीठ करके हम खड़े होंगे, ऐसे सूर्य पीछे होगा सामने रेनबो बनेगा। तो हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, तो होगा क्या, रेनबो बनेगा कैसे, इस लाइट रे को हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, और इस लाइट रे को ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, यानी ये वायलेट कलर है और ये रेड कलर है, ऐसे यहाँ कहीं रेनबो बनेगा, ये वायलेट है ये रेड है, ठीक है। और इसके बीच में और भी कलर्स होंगे, आप और वाले कलर होंगे, तो ये रेनबो आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। हम ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे खड़े हुए हैं, तो ये देखो रेड यहां पर जा रहा है, रेड को देखने के लिए हमको, अब ये एंगल ना समझिएगा कैसे बना हुआ है, रेड को देखने के लिए हमको अपनी आंख को ज्यादा एंगल से उठाना पड़ता है, तो रेड को देखने के लिए यहाँ 42 डिग्री से एंगल उठाना पड़ता है, और वायलेट ये रेड है और ये वायलेट है। अब आपको लग रहा है सब रेड तो नीचे है तो रेड का एंगल कम होना चाहिए, ये नहीं होता है, हम देख कहां रहे, रेड यहां नहीं दिख रहा है हमको, रेड वहां दिख रहा है, ठीक है। तो रेड को देखने के लिए हमको 42 डिग्री से एंगल जो है हमको उठाना पड़ता है, और वायलेट को देखने के लिए 40 डिग्री से उठाना पड़ता है, तो ये रेनबो यहां बनता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो। मतलब अब इसमें ये बहुत डिटेल में नहीं आता, तो शायद सीबीएसई ने रेनबो शायद नहीं देते हैं, वो एक आध बुक हमने देखा था कि वहां पर उनका सिलेबस हटा दिया गया है। ये एंगल कर तुम चेंज होता है, हमने कुछ बुक्स में देखा है 41 से 43 लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर 40 से 42 लिखा है, ठीक है। तो प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, लाइट इस ड्रॉपलेट के ऊपर पड़ती, पहली कंडीशन, ठीक। प्राइमरी रेनबो में आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी रेनबो की कंडीशन क्या है, तो आप कहेंगे कि ड्रॉपलेट के ऊपर साइन ऊपर डायरेक्शन में पड़ती है सनलाइट, पहली चीज। दूसरी बात, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है एक बार होता है, ठीक है। और यहां पर रेड कलर ऊपर दिखाई पड़ता है और वायलेट कलर नीचे दिखाई पड़ता है, और यहां पर जो रेंज होती है एंगल ऑफ एलिवेशन की वो 40 डिग्री से 42 डिग्री, यानी वायलेट 40 डिग्री देख उठाना पड़ेगा अब आपको, और रेड को 42 डिग्री, तो 40 से 42 डिग्री के बीच में सभी सातों कलर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्राइमरी रेनबो, इसके डायग्राम की थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात ये नहीं है कि एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, बड़े क्लासेस में जाओगे तो आएगा। तो आते क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी रेनबो की कंडीशन क्या है, कि ड्रॉपलेट के ऊपर लाइट पड़नी चाहिए, दूसरी बात इसमें रेड कलर ऊपर होता है वायलेट कलर नीचे होता है, तीसरी बात जो एलिवेशन इसका होता है जो उन्नयन कोण होता है वो रेड कलर का 42 होता है और वायलेट कलर का 40 होता है। तो ये प्राइमरी रेनबो होता है, प्रारंभिक रेनबो होता है इसको कहते हैं, ठीक है। अब जरा सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, उसमें क्या लफड़ा होता है जरा समझ लीजिएगा। ये तो प्राइमरी रेनबो हो गया, जिनकी आर्ट बढ़िया है वो बहुत अच्छा डिजाइन बना देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ राइटिंग भी गड़बड़ है आर्ट भी गड़बड़ है तो गड़बड़ हो जाता है। सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, एक सेकेंड देखिए, सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा कि लाइट ड्रॉपलेट के नीचे से आए, पहली ऐसा टेक्निकल डायग्राम है इसका। ये यहां पर होता क्या है कि ये ड्रॉप होता है ऐसा, जब कभी ऐसा हो गया तो दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायग्राम हमेशा ऐसे ही होता है। जब कभी ऐसा हुआ लाइट रे इस तरीके से पड़ी और ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ तब आपको रेनबो दिखाई पड़ेगा, 24 आवर बरसात में हमेशा आपको रेनबो नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां पर क्या होता है, डायग्राम थोड़ा हमने बना रखा है, यहां पर क्या होता है सनलाइट ऐसे गिरती है, ये सनलाइट है, यहां सन ये आपकी सन रेज आई है, हमने भी बताया था कि उसमें सन रेज नीचे से ऊपर से गिरती थी, यहां सन रेज नीचे गिरती, ठीक है। यहां पर जब आएगा तो इसके अंदर हम इसमें नॉर्मल वगैरह नहीं खींचेंगे, इसके अंदर वो क्योंकि ड्रॉपलेट है इसमें वाटर भरा हुआ है डेंसर मीडियम है, तो लाइट रेड कलर कम झुकेगी और वायलेट कलर ज्यादा झुक जाएगी, रेड कलर और ये वायलेट कलर, इस प्रकार से इसका रिफ्रेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या होता है, कुछ ऐसे एंगल्स पे गिरता है गिरती है लाइट रे कि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो रेड कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यहां पर रेड आके गिरी
और यहां पर वॉलेट आके गिरी। ठीक, अब प्राइमरी में क्या होता था कि लाइट ऊपर से गिरती थी, एक बार टोटल इंटरनेशनल होता था और लाइट बाहर निकल जाती थी। यहां पर क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे एंगल्स पे गिरी किसका इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर हो गया। ठीक है, तो ये आपका रेड कलर का हुआ ऐसे, और ये वायलेट का ऐसे। ठीक है, अब इसको जब हमने बाहर बाहर निकली तो नॉर्मल से दूर हट गई ऐसे रेड, और ये वायलेट ऐसे बन गई। अब सर थोड़ा पीछे कर दीजिएगा, ज्यादा दूर बना हुआ है, नजदीक बना हुआ है, ये सर है, तो ये यहां पर लाइट आती है ऐसे। ठीक है, ये वायलेट आई है, ये रेड आई, और यहां पर हम खड़े हुए हैं अपनी आंख लेकर के, हम इसको देख रहे हैं। तो इसको देखते हैं तो रेड कलर को ऐसे बढ़ा दीजिए और वायलेट ज्यादा क्योंकि ऐसे बढ़ा दीजिए, तो हमको वायलेट यहां दिखता है, रेड यहां दिखता है। यहां के फिर दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पहली कंडीशन दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसमें वायलेट को देखने के लिए आपको 53 डिग्री से एंगल से, ये आपका नॉर्मल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 53 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, यानी यहां रेड नीचे होता है वायलेट ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, या आप एंगल क्या कहेंगे उसको, उन्नयन कोण, उसको उन्नयन कोण कहते हैं, जितने एंगल से आप अपने आप को उठाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो वायलेट का 53 होता है और रेड का 50 होता है, या 50 से 53 डिग्री होता है, कुछ बुक्स में 51 से 54 लिखा हुआ है। तो ये आपका सेकेंडरी रेनबो होता है, वो प्राइमरी, समझ में आ गया दोनों कंडीशन में। प्राइमरी में क्या होता है, लाइट रे ऊपर से गिरती है, सेकेंडरी में नीचे से गिरती है, बहुत डिटेल में नहीं आता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। प्राइमरी में एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सेकेंडरी में दो बार होता है। प्राइमरी में जो रेनबो बनता है उसमें रेड कलर ऊपर होता है, वायलेट नीचे होता है, सेकेंडरी में वायलेट ऊपर होता है और सेकेंड वो नीचे होता है, रेड नीचे होता है। प्राइमरी में जो एलिवेशन होता है 40 से 42 डिग्री होता है, रेड 42 पे होता है, वायलेट 40 पे होता है, और ये 50 से 53 होता है, मतलब रेड 50 पे होता है और वायलेट 53 पे होता है। तो ये तीन कभी कभी बायफर्केशन करने को आते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन है एंगुलर डिस्पर्शन का, दैट इज हाउ रेनबो फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई आसमान नीला दिखाई पड़ता है, आसमान नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो हम कहते हैं कि लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है जब लाइट रे, तो इसमें रेले साहब ने एक नियम दिया था, द फिनोमेना ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, द पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो दे डिफ्रेक्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, वो अलग अलग डेविएट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, का बिखर जाना उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि रेड कलर जो होता है, अब आसमान ब्लू कौन दिखाई पड़ता है, देखिएगा जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि एक चक्कर में और ज्यादा दूरी तय करती है। अब मान लिया हमको शहर से पार जाना है, हमने एक कदम यहां रखा और शहर को पार कर दूसरा कदम वहां रख दिया, तो मुझे शहर के अंदर जाना ही नहीं पड़ा। जब जाना ही नहीं पड़ा तो हमारा डिफ्रेक्शन नहीं हुआ, सॉरी डिफ्रेक्शन कह रहे हैं, स्कैटरिंग नहीं हुई, हमको इधर उधर भागना नहीं पड़ा। ठीक है, तो होता क्या है, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब मान लिया कोई मीडियम पार्टिकल रास्ते में है, तो वो उस मीडियम पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करेगा और वो उससे ऊपर से होता हुआ आगे निकल जाएगा। अब यहां पे हम मान लिया बैठे हुए हैं तो हमको रेड कलर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर इसी जगह ब्लू कलर होता है, वो आपके साथ वायलेट होनी चाहिए, लेकिन देखा गया है कि ब्लू कलर ज्यादा डेविएट होता है, इसका इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक, तो कोई भी मीडियम पार्टिकल अगर रास्ते में होता है तो मीडियम पार्टिकल से टकरा जाता है। जब मीडियम पार्टिकल से टकरा जाता है तो वो अपने रास्ते से रास्ता भटक जाता है, इस प्रकार से भटक गया रास्ता। ठीक है, इस प्रकार से चला गया, वेव के फॉर्म में आप बना सकते हो, ऐसे ऐसे वेव बना सकते हो, ऐसे ऐसे वेव बना सकते हो, ये वेव के फॉर्म में चला गया। अब यहां पर और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये ब्लू कलर उन पार्टिकल से टकराता है और वो पार्टिकल क्या करते हैं, ब्लू कलर्स को फिर स्कैटर करते हैं, और हम यहां कहीं बैठे होते हैं
और हमको ये वाला ये जो बाद वाले पार्टिकल है बहुत सारे, इनको कौन सा कलर मिल रहा है? ब्लू कलर। इस एक पार्टिकल ने ब्लू कलर को स्कैटर किया और वो जो ब्लू कलर थी जो एक वेव थी इसने 500 वेव डायरेक्शन में उसको स्कैटर कर दिया। जब 500 डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया तो जो 500 पार्टिकल थे अगल बगल वाले उनको कौन से कलर मिला? ब्लू कलर। ठीक है, तो उन 500 ने क्या किया, वो 500 वेव जो थी वो हमारी आंख की तरफ देखी और हमको ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ने लगता है, इसलिए आसमान हमको ब्लू दिखाई पड़ता है। तो आपसे अगर कहा जाए कि व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आप कहेंगे दिस इज द फिनोमिनन इन विच लाइट इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू इंटरेक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। जिस मीडियम से पास होते हैं उन मीडियम से जब वो इंटरेक्ट करते हैं टकराते हैं तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वो मीडियम पार्टिकल से बहुत ज्यादा जो है इंटरेक्ट नहीं होता और वो पार्टिकल से दूर से निकल जाता है, इसलिए इसका डेविएशन कम होता है, इसका स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है, अब स्कैटरिंग में लॉर्ड रेले साहब ने अपना एक नियम दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग लॉ ऑफ लॉर्ड रेले। स्कैटरिंग लॉ ऑफ लॉर्ड रेले। ठीक है, रेले साहब ने कहा कि उन्होंने कहा स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी गुणा पाऊ, जो लाइट स्कैटर्ड होकर के हमारी आंखों में पड़ी है उसकी इंटेंसिटी गुणा पाऊ। जरा समझिएगा, रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक लाइट रे आई मीडियम पार्टिकल को छोड़ती हुई हमारी आंख में पहुंच गई, हमको एक रे दिखाई पड़ी, उसकी कुछ इंटेंसिटी हमको नजर आई। ब्लू कलर की एक लाइट आई, उसकी वेवलेंथ कम थी, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, एक लाइट एक रे आई है, लेकिन मीडियम पार्टिकल से जब टकराई तो मीडियम पार्टिकल ने उस रे को 10 भागों में 50 भागों में बांट दिया। अभी 50 भाग इधर उधर टकराए और वो 50 वेव हमारी आंख में पहुंची, तो कहने का मतलब इसकी वेवलेंथ छोटी थी लेकिन ये 50 रे मेरी आंख में पहुंच रही है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है ये एक रे हमारी आंख पहुंच रही है, तो इसकी इंटेंसिटी अल्टीमेटली ज्यादा होगी। यानी जिसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी इंटेंसिटी मेरी आंख में ज्यादा पड़ रही, समझने बात आ रही नहीं आ रही है? तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनेट टू 1/λ, यानी लैंडा जितना कम होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा मेरी आंख पहुंचेगी, क्योंकि आसमान को मुझे देखना है। मैं अगर यही पर चंद्रमा से जाकर के आसमान को देखता हूं, किसी और प्लेनेट से देखता हूं, तो मुझे वो नीला नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, वहां पार्टिकल्स नहीं होते, वहां धूल के कण नहीं होते। ठीक है, तो लेकिन लॉर्ड रेले ने देखा कि ये लैम्डा ही नहीं था, ये लैम्डा टू पावर 4 था। उन्होंने कहा था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होती है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ द वेव। यानी कम वेवलेंथ की लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होगी, ज्यादा मात्रा में मेरी तरफ पहुंचेगी, इसलिए मुझे ज्यादा दिखाई पड़ेगी। ज्यादा वेवलेंथ की लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी, वो एक ही वेव पहुंचेगी, इसलिए उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये स्कैटरिंग का लॉर्ड रेले का रूल था। अब चूंकि मुझे रमन इफेक्ट बताना है, रमन इफेक्ट बताने के लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। वो डिटेल आप ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं डिटेल तो रमन इफेक्ट समझ में ज्यादा आ जाए। चलो यही बात समझते हैं। लॉर्ड रेले ने एक नियम बताया, उन्होंने कहा कि भाई आसमान नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि ब्लूइश कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होती है। चलिए वहां तक बात सही है। समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। लॉर्ड रेले का कहना था कि समुद्र में जो होता है आसमान का जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, वो दिखाई पड़ती है। चूंकि आसमान का कलर नीला है इसलिए समुद्र के पानी का रंग भी नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन रमन साहब एक बार आ रहे थे समुद्र के रास्ते, लंदन से शायद आ रहे थे, 19 में ईयर मैंने लिखा है, शायद 1921 में वो समुद्री रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने समुद्र के पानी को देखा, नीला कलर तो था ठीक है, लेकिन जो रैले साहब का कहना था कि साहब वो आसमान का प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें कुछ वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है,
वो जब लैब में आकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बातें सोची, तो उन्होंने एक नियम दिया, रमन इफेक्ट। आपको मालूम होगा रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1928 में शायद दिया गया था उनको, और 1930 में दिया गया था, और 1954 में उनको भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, अब रमन इफेक्ट समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, जरा समझिएगा। रमन इफेक्ट के लिए डिटेल में जाना है, देखिए मैंने स्कैटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्कैटरिंग दो प्रकार की होती है, ये स्कैटरिंग होती, देखिए स्कैटरिंग यानी कोलिजन कह सकते हैं आप, लाइट मीडियम पार्टिकल से टकरा रही है। तो मैं अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, पार्टिकल के बारे में बात करूं, लाइट को एक फोटॉन मान लेता हूं, लाइट फोटॉन होती है, तो मैं कहूंगा एक फोटॉन मीडियम पार्टिकल से टकरा रहा है, तो ये कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो उनका स्कैटरिंग दो प्रकार की होती है, एक इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन को मैं कहूंगा स्कैटरिंग, लेकिन अपने मन में यह मान के चलता हूं ये हमें कोलिजन बताया जा रहा है। और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे रमन इफेक्ट बताना इसलिए बताना जरूरी है। इलास्टिक कोलिजन यानी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, टक्कर आप मान सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन में जो मीडियम का, मीडियम पार्टिकल का साइज होता है, यानी साइज ऑफ मीडियम, आप ये तो आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी नहीं चेंज होती, जब दो पार्टिकल में इलास्टिक कोलिजन होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा, पार्टिकल जो मीडियम की होंगी, लेस एंड लेस देन लैम्डा ऑफ लाइट, लैम्डा मतलब जो लाइट आप स्कैटर्ड करने जा रहे हैं, लैम्डा जो इंसिडेंट रे, लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट कह सकते हैं, लैम्डा ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो यहां मीडियम पार्टिकल जब साइज होता है वो इंसिडेंट के लैम्डा से कम होता है, बहुत कम होता है, लेस एंड लेस देन वर्ड किया। जब यह बहुत कम होगा, तो अभी हम बता चुके थे बहुत ज्यादा लैम्डा होने से क्या होता है, मीडियम पार्टिकल्स वो इंटरेक्ट ही नहीं करते, और इंटरेक्ट करेंगे भी, मान लिया शहर से गुजरना भी पड़ा और हम एक कदम में बहुत दूर अपनी डिस्टेंस कवर करते हैं, तो एक कदम एक रखेंगे, बीच में रखेंगे, शहर के बाहर निकल जाएंगे, कम इंटरेक्शन होगा। तो इसमें जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी एनर्जी नहीं चेंज होती, यानी नो चेंज, इसमें क्या होता है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, या आप वेवलेंथ कह सकते हैं, ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में कोई फर्क, कोई चेंज नहीं आता है, इसी को आप रेले स्कैटरिंग कहते हैं। रेले साहब ने इसी के बारे में बात की थी, यही आपका रेले स्कैटरिंग है। ठीक है, रेले स्कैटरिंग, ये कह रहे हैं कि स्कैटरिंग होने के बाद में जो जो स्कैटर्ड लाइट है, जो स्कैटर हो चुकी है, फैल चुकी है, बिखर चुकी है, उसकी वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। अब आप कहेंगे अभी तो आप बता रहे हो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो एक अलग बात है, वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन मीडियम के 100 पार्टिकल आपको वही वाली वेवलेंथ लाइट, 100 लाइट भेजे दे रहे हैं, तो 100 लाइटें आपको मिल रही है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यहां इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो साइज ऑफ पार्टिकल है, यहां पर साइज ऑफ पार्टिकल वो बहुत ज्यादा होता है वेवलेंथ का, इन लैम्डा ऑफ इंसिडेंट रे, ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे से बहुत ज्यादा होता है। मैं बार बार कह रहा हूं रमन इफेक्ट की वजह से बताया जा रहा है, अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट रमन इफेक्ट बता देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, रमन इफेक्ट पूरा पूरा समझ में आ जाए इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए यहां पर क्या कहा गया कि फ्रीक्वेंसी जो स्कैटर्ड लाइट, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, आप जानते हैं एनर्जी E बराबर H नहीं होती है, अगर फ्रीक्वेंसी वही रहेगी तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी भी वही रहेगी। तो यहां पर क्या होता है, जो न्यू है, न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, या लैम्डा भी बोल सकते हैं, ऑफ स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट क्या हो जाती है,
इधर इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। अब भाई क्यों ऐसा होता है? देखिए, एक तो पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा है, लाइट की वेवलेंथ कम है, शहर बड़ा है, कदम आपके छोटे छोटे हैं, आपको शहर के अंदर से तो निकलना ही पड़ेगा, इस लाइट को इस पार्टिकल के अंदर या इस पार्टिकल से टकराना ही पड़ेगा। अब टकराने में दो बातें हैं, पार्टिकल चूंकि ऑसिलेट करता रहता है हमेशा, वो मोशन में रहता है, उसके मॉलिक्यूल टकराते रहते, ऑसिलेट करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, यानी पार्टिकल की खुद की एनर्जी होगी, इंसिडेंट लाइट की अपनी एनर्जी होगी, हो सकता है पार्टिकल उस इंसिडेंट रे की एनर्जी ले ले थोड़ी सी, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, ले ले और आप वो कहकर जाओ। अब वो जब बाहर निकलेगी जो स्कैटर्ड लाइट, वो उसने क्या किया है, पार्टिकल को एनर्जी दे दी, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि पार्टिकल बहुत ज्यादा एक्साइटेड में हो, बड़ी ज्यादा मोशन में हो, और जब लाइट गिरी तो उसने उसको एनर्जी दे दी। एक एग्जाम्पल समझिएगा, बहुत तेजी से कोई भी ऐसे पहिया घूम रहा हो, अब बड़ी तेजी से आया और आप उसके पास आ गए, आप उसे क्लच बहुत तेजी से मारा और बाहर कर दिया, भैया ने क्या किया, भैया बहुत स्पीड में था, उसने अपनी एनर्जी आपको देकर के बाहर कर दिया, तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी और उस पहिए ने एनर्जी आपको दे दी, तो आपकी एनर्जी पहले वाली एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। यानी जब ये पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में रहा होगा, एक्साइटेड स्टेट में नॉर्मली नहीं रहता है, ये घटना जो हम बता रहे हैं, ये उन्होंने कहा था 10 लाख पार्टिकल होंगे तो एक आध किसी में होगा, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, अब कोई बहुत गुस्से में हो बैठा हुआ, एक्साइटेड स्टेट में बैठा हो बिल्कुल ऐसे, और आप जाकर के अपने एनर्जी से उसको तो तफरी कर दीजिए, मजाक कर दीजिए, और चिल्लाना शुरू कर देगा, हमारी ऐसी ऐसी ऐसे कर देगा, तो और भी आप एक्साइट हो जाएंगे, तो उसने क्या किया, आपको अपनी एनर्जी दे दी, तो आप जितने एनर्जेटिक थे और एनर्जी और मिल गई आपको। और अगर पार्टिकल स्लो है, अब पहिया धीरे धीरे चल रहा है, हम गए पहिए से टकराए, एक तो पहिया धीरे था, तब पहिया कुछ मोशन में आया और हम टकरा के चले गए, तो हमने क्या किया, अपनी एनर्जी उसको दे दी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो रमन साहब ने कहा कि जो स्कैटर्ड लाइट में फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे ना डेले साहब, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी जब स्कैटर्ड लाइट निकली तो कुछ फ्रीक्वेंसी कम भी थी और कुछ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, ठीक है। तो हुआ यूं, जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी थी, रेले साहब को वही फ्रीक्वेंसी मिली जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की, क्योंकि रेले के हिसाब से कोई भी लाइट की फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी, तो रेले साहब को ये फ्रीक्वेंसी मिली न्यू, ये रेले के हिसाब से मिली, ठीक है। लेकिन रमन साहब ने देखा कि कुछ लाइट रे उसमें जो स्कैटर्ड होके आई हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा थी, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस न्यू वन थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये जो लाइट गिरी, वो जिस पार्टिकल पे गिरी, वो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में था और उस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी उस लाइट को दे दी, तो लाइट थोड़ा ज्यादा स्पीड से निकल गई, तो इसको उन्होंने नाम दिया एंटी स्टोक्स लाइट। इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इनका नाम दिया उन्होंने एंटी स्टोक्स लाइट, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मीडियम पार्टिकल एनर्जी कम हो, हम जाके टकराए, अब अरे भाई क्या है, क्या बताए बड़ी, अरे भैया आप तो या तो अब पूरी एनर्जी वो खा गए, तब हम बाहर निकले, किसी ने पूछा भैया क्या हुआ, अरे बोले क्या होता है, गए थे वो बेचारे बहुत परेशान थे, हमने उनको थोड़ा सांत्वना दी, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी कम थी, हमने थोड़ी एनर्जी अपनी दे दी उनको, तब हम बाहर निकले, तो हमारी एनर्जी कम हो गई। तो कुछ ऐसी लाइट रे थी जिनकी फ्रीक्वेंसी उस इंसिडेंट लाइट से कम निकली, उनको कहा उन्होंने स्टोक्स लाइट, स्टोक्स लाइन, ये लाइन भी उनको दिखाई पड़ी, ये पूरी रमन लाइंस कहलाती हैं, और इसी को हम रमन इफेक्ट कहते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं, रमन का प्रभाव, और ये जो पूरी लाइंस मिली एक गुच्छे की तरह मिली, कुछ की फ्रीक्वेंसी लैम्डा थी, कुछ की लैम्डा प्लस लैम्डा वन थी, कुछ न्यू थी, कुछ की न्यू प्लस न्यू वन थी, कुछ की कम थी, एक पूरा एक स्पेक्ट्रम मिला, इसको रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं, रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। कभी कभी एक वर्ड आपको मिलेगा कॉम्प्टन इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट,
ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन जो रमन साहब ने बताया था वहां क्वांटन साहब ने भी ये बताया था। तो क्वांटन साहब ने केवल इतना किया था कि जो लाइट रे इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट रे थी वो गिर रही थी वो किसी चार्ज पार्टिकल पे गिर रही थी, चार्ज पार्टिकल था यानी ये आयन था, या तो ये इलेक्ट्रॉन था या प्रोटॉन था, उस पर गिर रही थी। तो इलेक्ट्रॉन पे जब गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन की आप जानते हैं कि दो स्टेज हो सकती है, वो अपने एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है या अपने लोअर एनर्जी स्टेट में भी हो सकता है, अपने नॉर्मल स्टेट में भी हो सकता है। तो यहां भी लाइट जब गिरती थी तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड में है तो इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी दे देता था तो स्कैटर्ड लाइट होती थी उसकी एनर्जी बढ़ जाती थी, और अगर एनर्जी कम लेवल में इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी मरगिला टाइप का है कि उसके पास एनर्जी ही नहीं है और लाइट हमने डाली उसको, लाइट वहां पहुंची तब उससे बात की, अरे भाई इलेक्ट्रॉन क्या हाल चाल है, पूछो ना भैया बड़ा दिक्कत है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में थोड़ी लाइट दे दी इलेक्ट्रॉन को, फिर वो स्कैटर्ड हुई तो एनर्जी कम हो गई। तो लगभग लगभग ये रमन एफर्ट की तरह है, रमन ने किसी भी पार्टिकल के बारे में बात किया है और इन्होंने कहा था चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने टकराया था, तो ये क्वांटम है नहीं कि मैंने बता दिया, तो ये रमन इफेक्ट होता है। तो रमन इफेक्ट एक तरीके से लॉर्ड रेले के नियम को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो ये आपका रमन इफेक्ट होगा। ठीक, कुछ बातें और हम करेंगे, जैसे कलर ऑफ स्काई बता दिया क्यों होता है, ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये तो आपका स्कैटरिंग हो गया। स्कैटरिंग घटना पे एक आता है स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है, कलर ऑफ स्काई ब्लूइश होता है, कलर ऑफ स्काई ब्लूइश क्यों होता है, तो जैसा कि लॉर्ड रेले ने कहा था कि स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल अनुपात लैम्डा टू पावर 4 होती है, तो लैम्डा जितना ज्यादा होगा आई उतना ही कम होगा, क्योंकि रेड कलर का लैम्डा बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो, और ब्लू कलर का लैम्डा बहुत कम होता है, और बहुत कम होने से उसकी इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई पड़ती है और ज्यादा स्कैटर्ड होता है इसलिए हमको वो ब्लूइश दिखाई पड़ता है। दूसरे बताया गया कि सनसेट और सनराइज जब होता है, जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है तो लाल क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए होता क्या है कि सनसेट के समय सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, देखिए ऐसा नहीं कि हमें लाल दिखाई पड़ता है पूरे वर्ल्ड को लाल दिखाई पड़ रहा होगा, जहां पर सूर्योदय हो रहा होगा वहां लाल दिखाई पड़ रहा होगा, जहां सूर्यास्त हो रहा होता है वहां दिखाई पड़ रहा होगा, जहां पर दोपहर होगी वहां नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन बहुत दूर हमसे होता है, वहां से लाइट आती है, तो चूंकि स्कैटर्ड होना है बिखर जाना है, अब बिखराव किसका होता है, ब्लू का बहुत ज्यादा बिखराव होता है, तो वहां से बिखरते हुए लाइट हमारी तक आती है और बहुत दूर सन हमसे है, तो जो नहीं बिखर पाती वो मुझ तक पहुंचती है, रेड कलर नहीं बिखर पाता है इसलिए रेड हम तक पहुंचता है, इसलिए वो रेड दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो रेड बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे सिग्नल्स में जो डेंजर साइन के लिए रेड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि रेड कलर का वही बात स्कैटरिंग कम होती है, वो दूर तक डिस्टेंस कवर करता है बिना स्कैटर्ड हुए, बिना मुड़े बिना झुके, ठीक है, इसलिए रेड दिखाई पड़ता है। क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, जो क्लाउड्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब बहुत सारे जो क्लाउड्स में पार्टिकल्स बड़े होते हैं और बड़े पार्टिकल जो होते हैं लार्ज पार्टिकल वो स्कैटरिंग सबका कर देते हैं, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है और सबका स्कैटरिंग कर देते हैं, वो ब्लू का भी कर देते हैं, रेड का भी कर देते हैं, सबका कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भाई रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वो ठीक है एक चक्कर में बहुत डिस्टेंस कवर की, लेकिन शहर 50 किलोमीटर लंबा है, करो कहां तक तुम जो है 2 कदम में जीत निकलोगे, आपको कहीं ना कहीं चौराहा तो मिलेगा, तो उसकी स्कैटरिंग हर कलर का कर देती है वो जो क्लाउड होते हैं, तो इसलिए हर कलर का अगर स्कैटर हो जाएगा तो मेरी आंख में हर कलर पहुंचेगा और सभी कलर पहुंचेगा तो उसका कंबाइंड इफेक्ट फिर व्हाइट दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने आप जानते हैं न्यूटन साहब ने एक डिस्क एक्सपेरिमेंट किया था, एक डिस्क आप ले लीजिए जैसे होता है सीडी प्लेयर वाला होता है सीडी ले लीजिए, उसके 7 कलर कर दीजिए, 7 ऐसे लाइनें खींच दीजिएगा और 7 कलर उसमें पेंट कर दीजिएगा, वही प्योर वाले वायलेट इंडिगो रेड ब्लू ऑरेंज येलो रेड अलग अलग कलर हमारी आंख पहुंच रहे दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पर, आप इसको घुमा दीजिए कुकस में तो बहुत ज्यादा घूमेगी तो व्हाइट दिखाई पड़ेगी। तो चूंकि रेन ड्रॉप या आपके जो बादल होते हैं वो बड़े साइज के पार्टिकल्स के होते हैं, वो सभी कलर का स्कैटरिंग करते हैं, इसलिए हमको उसका कंबाइंड इफेक्ट व्हाइट दिखाई पड़ता है, इसलिए हमको बादल व्हाइट दिखाई पड़ते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, स्कैटरिंग के इफेक्ट है, उनको हमने डिस्कस किया। इस प्रकार से प्रिज्म हमने दो वीडियो में कंप्लीट किया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। रमन इफेक्ट को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताया था। आप रमन इफेक्ट को इतना डिटेल में, आप अगर अब आप कहेंगे हम क्या कहेंगे उसमें, कैसे समझाएंगे, आप ये कहेंगे कि लॉर्ड रेले के अनुसार जब कोई लाइट रे किसी इलास्टिक कोलिजन जब करती है तो इन जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। लेकिन रमन साहब ने देखा जब वो अध्ययन कर रहे थे इन लाइट रे का, तो उनको कुछ ऐसी स्कैटर्ड लाइट रे दिखाई पड़ी स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है उसमें स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोमीटर से इसका एक्सपेरिमेंट होता है। ऐसी लाइट उनको दिखाई पड़ी जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट रे से कम भी थी, ज्यादा भी थी। जिनकी ज्यादा थी उनको उन्होंने एंटी स्टोक्स लाइन कहा, जिनकी कम थी उनको स्टोक्स लाइन कहा, और जिनकी वही थी वो रेले लाइन थी। वो तो रेले साहब बता ही चुके थे। उन्होंने कहा कुछ लाइट रे कम फ्रीक्वेंसी की भी होती है, कुछ ज्यादा की भी होती है, इन्हीं को रमन लाइन कहा, इसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये कुछ बातें हैं हमने बताई आपको, पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।